हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खर। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं थर्डोमल सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज वर्सेस अपना डीजे सांगवी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो आज हम इसका वर्सेस वाला सीन देखेंगे कि दोनों में, और इसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, और ये कंपेरिजन किसके बेस पे होगा। ये कंपेरिजन आपके फीस के बेस पे होगा और प्लेसमेंट के बेस पे होगा, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं किसी भी कॉलेज में। अगर आप एडमिशन ले रहे हो, आपका फीस कितना है, आपका प्लेसमेंट्स कैसा है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं लास्ट ईयर तक, ठीक है। तो इसी के दो बेस पे हम ये पूरा कंपैरिजन करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए आपका। चलिए हम फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले द इंट्रो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हम लोग ने, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा डाटा डाल रखा है जिस बेस पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं, डीजे सांगवी वर्सेस थर्डोमल सैनिक कॉलेज। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस्टैब्लिश कभी हुआ था। अगर इस्टैब्लिश में कंपैरिजन करें तो इस्टैब्लिश हुआ था 1983 में आपका डीजे सांगवी कॉलेज, और आपका जो थर्डोमल सैनिक कॉलेज है वो आपका 1994 में इस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो 10 इयर्स 11 इयर्स का डिफरेंस है। डीजे सांगवी कॉलेज थोड़ा पहले इस्टैब्लिश हुआ था और थर्डोमल बाद में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, आप यहाँ पे एमएसटी सीईटी और जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एमएसटी सीईटी जेई मेंस के थ्रू दोनों कॉलेज में, आपका डीजे सांगवी में भी ले सकते हो, आप थर्डोमल सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट फीस के बारे में। इंस्टीट्यूट फीस, जैसे मैंने बोला कि दो ही एस्पेक्ट पे हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट फीस कितना है आप सुनिए, डीजे सांगवी कॉलेज का इंस्टीट्यूट फीस है पर ईयर का 1,99,826 रुपीज पर ईयर का है। अगर हम बात करेंगे थर्डोमल सैनिक कॉलेज का, तो थर्डोमल सैनिक कॉलेज का 1,89,403 रुपीज है। अगर देखोगे फीस के कंपैरिजन को देखोगे तो आपका जो थर्डोमल सैनिक कॉलेज है उसका फीस आपके डीजे सांगवी कॉलेज से कम है, ठीक है। तो बस 10,000 के नियर बाय इनका फीस ज्यादा है डीजे सांगवी कॉलेज का और इनका कम है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डीजे सांगवी वर्सेज थर्डोमल के इंस्टीट्यूट फीस के बारे में। तो फीस के मामले में भाई थर्डोमल सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छा है कि एटलीस्ट इससे कम है फीस। और अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ आर गुड। जो भी फैसिलिटीज़ आपको कॉलेज के अंदर मिलने वाले हैं सब अच्छा है, अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ के बारे में हम ज़्यादा वो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि ये सब टीयर 3 कॉलेजेस है, तो यहाँ पे कुछ खास फैसिलिटीज़ होते नहीं है NIT IIT जैसा। तो यहाँ पे हम फैसिलिटीज़ के बारे में उतना कुछ हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट बहुत सही प्लेसमेंट है, दोनों का प्लेसमेंट मुझे बहुत सही लगा। और तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में भी। तो यहाँ पे प्लेसमेंट आप देख सकते हो डीजे सांगवी कॉलेज में 25 लाख ऑफर्ड हुआ था एक स्टूडेंट को, जो आपका मॉर्गन स्टेनले कंपनी है उसने ऑफर किया था 25 लाख एक स्टूडेंट्स को। और अगर हम बात करें 15 लाख तक ऑफर हुआ है डीजे सांगवी कॉलेज में, 15 लाख ऑफर हुआ था, वो भी एक ही स्टूडेंट को ऑफर हुआ था जिसको ऑफर किया था, कंपनी का नाम है अल्फा ग्रेप, ठीक है। तो ये दो चीज ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, 14 लाख का पैकेज भी ऑफर हुआ है पर एनम, जो मैं बता रहा हूँ ये पर एनम है, पर ईयर की ऑफर हुई सैलरी है, ठीक है। तो 14 लाख पर एनम ऑफर हुआ था, ये कुछ 19 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था 14 लाख, जेपी मॉर्गन कंपनी ने ऑफर किया था। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें आपके थर्डोमल सैनिक कॉलेज का, तो यहाँ पे भी 19 लाख हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर का, मैंने आपके 2020-2021 का आई थिंक सो मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, 19 लाख हाईएस्ट पैकेज रहा है, और इनका एवरेज पैकेज रहा है 6 लाख। और आपका डीजे सांगवी कॉलेज का भी एवरेज पैकेज 6 लाख रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके ओवरऑल कंपैरिजन। और इवन मैंने थर्डोमल सैनिक कॉलेज के बहुत से ये पैकेजेस देखे हैं, वहां पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को 19 लाख 16 लाख 15 लाख ऐसे करके पूरा लिस्ट था मेरे पास, मैंने देखा है तो उसमें दिया हुआ है। तो दोनों, अगर प्लेसमेंट वाइज की बात कर तो प्लेसमेंट में दोनों कॉलेज बेस्ट है अपने अपने प्लेस पे। तो मैं यहाँ पे प्लेसमेंट में कुछ नहीं बोलूंगा, प्लेसमेंट सब ठीक है। और अगर आपको जाना है, अभी हम बात करेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो अगर आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है तो मैं बोलूंगा देखो डीजे सांगवी में भी आप जा सकते हो और थर्डोमल सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हो, दोनों में जा सकते हो, दोनों बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट वाइज भी बढ़िया है। आपका फीस के मामले में थोड़ा थर्डोमल सैनिक कॉलेज ऊपर जाता है क्योंकि उसका फीस कम है और आपके डीजे सांगवी कॉलेज का मतलब ज्यादा है, तो फीस के मामले में भाई थर्डोमल सैनिक कॉलेज अच्छा है। बाकी सब ओवरऑल एक जैसा ही है, सेम है। तो आप ये दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, मुझे तो दोनों सही लग रहा है मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से।
तो अब ये रहा ओवरऑल आपका कंपैरिजन थर्डोमल सैनी कॉलेज और डीजे सांगवी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो, जल्दी हम 9K हिट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।